मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती अपने भक्तों से कहती हैं कि हम तुम्हारी सारी बाधाओं को दूर कर देंगे और तुम्हें धन धान्य से भरपूर कर देंगे, परिपूर्ण कर देंगे। हे मनुष्य, मेरे प्रसाद से इसमें कोई भी कुछ भी शंका नहीं है। नवरात्रि चल रही है, माँ का स्मरण करिए, अर्चन करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना ही कहिए, गतेस्त्वाम गतेस्त्वाम त्वमेका भवानी, गतेस्त्वाम गतेस्त्वाम त्वमेका भवानी, गतेस्त्वाम गतेस्त्वाम त्वमेका भवानी। माता रानी, भगवती, पराम्बा, आप सबका कल्याण करें, यही हमारी शुभकामना है। आज आपको एक संत की गाथा सुनाता हूं। बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत कम बोलते थे, कभी कभार कुछ मुंह से निकल गया तो निकल गया, नहीं तो कुछ बोलते नहीं थे। वैसे तमाम लोग उनके पास आते जाते थे और उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाते थे। एक बार की बात है, एक नवयुवक उनके पास आया और उनसे कहा, बाबा काम मुझे बहुत सताता है, क्या करें, भजन करता हूँ, माला करता हूँ, अर्चना करता हूँ, जप तप करता हूँ, लेकिन जो कामना है, जो काम है, यह दूर नहीं होती। संत ने वहीं पर आटा पड़ा हुआ था, एक मुट्ठी आटा अपने हाथ में लिए और उस नवयुवक को बताए कि जब तक यह तुम खाते रहोगे, जब तक अन्न खाते रहोगे, तब तक यह काम का विकार तुम्हारे पास रहेगा। जो कुछ भी जप तप अर्चना प्रार्थना कर रहे हो उसको करते रहो। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक युवती आई। युवती ने भी उनको प्रणाम करके यही प्रश्न किया कि महाराज, नित्य प्रति भगवत सेवा, अर्चन, पूजा पाठ खूब करती हूं, लेकिन जो काम वासना है वह जाती नहीं है, इसका क्या उपाय है। संत की के पास धूनी थी जहां हमेशा आग पड़ी रहती है। उन्होंने वहां से एक मुट्ठी राखी अपने हाथ में लिया, अपने मुट्ठी में लिया और उसको बोले कि जब तक तुम एक मुट्ठी राख नहीं बन जाती, तब तक यह काम विकार रहेगा। कितनी अच्छी बात संत ने बताई, यह आप और मेरे सबके योग्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं, इतना पूजा पाठ, जप तप, अर्चन, कीर्तन, अखंड पाठ, अभिषेक, क्या क्या नहीं करते, हवन, लेकिन जो कामनाएं हैं, जो काम है, वह जाता नहीं है, वह रहता है। तो याद रखिए, यह आपके साथ रहने वाला है। आप
अपनी तरफ से जितना भी हो सके भगवत नाम संकीर्तन जप तप करिए। यह बहुत ही कल्याणकारी है और यही आपको इन विकारों से बचाएगा। ऐसे संत को कोटिशः प्रणाम करता हूं। आइए अब आपको रामचरित मानस में लेके चलता हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक भगवान राम सभी बहुत बड़ी सेना के साथ योद्धाओं के साथ कूच कर चुके हैं और समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। सब लोग समुद्र के किनारे पर हैं और यही सोच रहे हैं कि अब यहां से क्या होगा, क्या करेंगे। इसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, उहां निसाचर रही सशंका जब ते जारी गयउ कपिलंका। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको लंका में लेके चलते हैं और लंका के लोगों की क्या दशा है उसका वर्णन करते हैं कि कैसे जो भय है जो डर है वह उन लोगों को सता रहा है। जब से हनुमान जी लंका में गए लंका को जला दिए तब से वहां पर लोग बहुत ही भयभीत रहते हैं। उसी बात को याद करते हैं कि वह बंदर आया था और उसने सारी लंका का तहस नहस कर दिया। निज निज गृह सब करही बिचारा नहीं निसिचर कुल केर उबारा। वह सब यही सोचते हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं और दिन रात यही सोचते हैं कि यह जो हमारा निशाचर कुल है इसको कौन उबारेगा, इसको उबारने वाला कोई नहीं है, हमारा विनाश अवश्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी विचार में वह सब सदैव डूबे रहते हैं और हमेशा सशंकित रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। आगे बाबा जी उनकी मनोदशा का वर्णन करते हैं, बताते हैं, जासुदूत बल बरनी न जाई ते ही आये पूरे कवन भलाई। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बाबा जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सब राक्षस यही सोचते हैं कि जिसके दूत के आने से इतना तहस नहस हो गया, इतना सब इतनी बर्बादी हो गई, जब वह स्वयं आएंगे तब हमारी क्या हालत होगी, समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। दूती न सन सुनी पूरे जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी। मंदोदरी की जो
दूत थे जिनको दूतियां बोलते हैं, वह लोग जब नगर का समाचार ले आकर के मंदोदरी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे नगर में चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग सोच रहे हैं, सब लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं, तो मंदोदरी को भी बहुत कष्ट हुआ, अकुला गई। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। मंदोदरी अपने पति के पास जाती है, उसका पैर पकड़ती है और बहुत ही नीति युक्त बातें करती है, प्रार्थना करती है कि ये मेरे पति हट छोड़ दीजिए। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हितहिं धरहु। प्रार्थना करती है, अपना सर पटकती है उसके पैर पर कि ये मेरे पति मेरी बात मान लो, हरि से, भगवान से, राम से विरोध छोड़ दो, यह मैं जो बात कह रही हूं यह हित ही नहीं अति हित है, इसमें तुम्हारा कल्याण है। समुझत जासु दूत कई करनी, स्वहीं गर्भ रज नीचर धरनी। मंदोदरी आगे बताती है, कहती है कि जो हमारी राक्षसियां हैं वह सब हनुमान जी के कृत्यों को जब याद करती हैं तो इतनी भयभीत हो जाती हैं कि उनका जो गर्भ है उसका पात हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए ऐ मेरे पति हट छोड़ दीजिए। ता सुनारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। मंदोदरी आगे कहती है, प्रार्थना करती है कि हे मेरे पति, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुला करके, दूत बना करके भगवान राम के पास भेजिए। तव कुल कमल विपिन दुख दाये, सीता सीत निशासमयाई। मंदोदरी आगे कहती है कि ए मेरे पति, ए रावण, यह जो तुम्हारा राक्षस कुल है जो कमल के समान है, इसको नष्ट करने के लिए सीता सीत के समान आई है, बहुत ठंड के समान आई है, इसमें कोई भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुनहु नाथ सीताबिनु दीन्हे, हित न तुम्हारे शंभुवज कीन्हे। मंदोदरी कहती है, प्रार्थना करती है कि हे नाथ, सीता को भगवान राम को वापस किए बिना, लौटाए बिना भगवान शंकर और ब्रह्मा भी आपका कल्याण नहीं कर सकते, इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरी बात को मान लीजिए, हट छोड़ दीजिए, भगवान राम से संधि करिए और अपने पूरे कुल परिवार खानदान को बचा लीजिए।
राम बाण रहि गन सरिस निकर निसाचर भेक जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनु करहु तजि टेक सियावर राम चंद्र संग कर उमाम। आगे मंदोदरी फिर कहती है कि जो भगवान राम के बाण हैं यह सब सर्प हैं, और जो राक्षसों का खानदान है, कुल है, समूह है, यह सब मेढक हैं। जब वो बाण चलेंगे तो वह बाण रूपी सर्प राक्षसों को नाश किए बिना नहीं रह सकते। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राजा राम 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 वाला राम 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 वाला कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमः पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ हर हर महादेव जय सियाराम। ओम शांति शांति शांति।